पूरे एशिया कप की अगर रिपोर्ट कार्ड देखें तो अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, और हर टूर्नामेंट में ऐसा होता है। पहले आप देखें, नेपाल को भी बेरहमी से हराया 10 विकेट से, पाकिस्तान को बेरहमी से हराया 228 रन से, श्रीलंका के खिलाफ रगड़ रगड़ के जीतना पड़ा क्योंकि वो लो स्कोरिंग मैच था, पर जीते उसमें। बांग्लादेश के खिलाफ आपको मानना होगा कि ये जो हार थी डेड रबर था, इसीलिए बेंच से 5 प्लेयर उठा के लाए। फिर भी भारत निराश होगी इस रिजल्ट से क्योंकि जीत जाना चाहिए था ये मैच, पर हारे। क्या हल्के में ले लिए, क्या ठीक से चेज को प्लान नहीं कर पाए, तो ये वाला जो है डेफिनेटली एक रेड मार्क है रिपोर्ट कार्ड में, और इसीलिए हमने लाल में लगाया भी है उसको। और फिर आज श्रीलंका को अगेन tabhai.com कर दिया उन्होंने। तो आइए चलिए, रिपोर्ट कार्ड में अच्छी बातें तो बहुत हुई हैं, हमने काफ़ी बात करी है। जो इस टूर्नामेंट का रिपोर्ट कार्ड जब निकालेंगे पार्थिव, क्या क्या चीज़ें करेक्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें जो अपने हित में नहीं गई, कहीं पे हल्के हो गए, कहीं पे अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये सब चीज़ें अगर एक दो आप कोई देखें तो क्या देखना चाहेंगे? बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो चीज़ ढूंढना कि भारत ने कहाँ गलती करी है, क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, सारे डोमिनेटिंग विन है। आप देखें, 10 विकेट से 2 बार जीते, 228 रन से 1 बार जीते, वो 40 रन से भी जो जीते उसमें भी ऐसा था कि एक ही पार्टनरशिप ऐसा 2-5 ओवर के लिए लगा कि यू नो शायद वहाँ पर जीत सकता था, लेकिन वहाँ पर भी डोमिनेट कर रहे थे। तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि बैटिंग बॉलिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है। जो भारत ने इस टूर्नामेंट में जो हुआ है, जो आई थिंक कैचेस फील्डिंग, उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह है, और वो भी वहाँ पे हुआ है जब आप नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे थे और जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ना वो इशू शायद उस हिसाब से था कि अब क्या इतना हल्के में ले रहे थे कि नहीं। तो एक फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भारत जब जाएगी तो सोचेगी कि इसको और बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए फील्डिंग, मुझे ऐसे लगता है कि फील्डिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आप उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे सकते हैं। और वो एक कहते हैं ना कि हमेशा फील्डिंग आप का दृष्टिकोण कैसा है उसको देखने का, उस हिसाब से आप देखते हो। तो आपने बहुत से बार देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ना, जो टीमें ज़्यादा उतना स्किल के हिसाब से आगे ना हो, लेकिन वो फील्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो भारत स्किल के हिसाब से तो बहुत आगे, लेकिन वो फील्डिंग में जो पार्थिव जिस तरीके से कह रहे थे, जो 2 मैचेस नेपाल और बांग्लादेश का, जहाँ पर आप सोच सकते हो कि चलिए उतनी मजबूत टीम नहीं है, तो फिर आप ना थोड़ा सा उस तरीके से देख रहे थे उस दिन को, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना होगा उस चीज़ के ऊपर जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो। तो वो अगर चीज़ आप थोड़ा उसके ऊपर तवज्जो दे, उसको अगर चेंज करने देखे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरी, आप जिस चीज़ का बार बार जिक्र करते हैं ना, कि जब ऊपर से आपने थोड़ी अच्छी पकड़ बना ली है गेम पे, लेकिन वो कभी कभी बाद में छूट जाती है, कि जो लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन सामने वाली टीमों का भारतीय टीम के खिलाफ कभी कभी आपको दिख जाता है, तो वो परसेंटेज आप बेटर कर सकते हो। तो वो एक चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी। उसके अलावा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आपने बहुत बढ़िया देखे इस एशिया कप में, और वो आपको बार बार नज़र भी आएंगे। ईशान किशन की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक वो जो चीज़ बात हो रही थी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे कैसे, देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा है भारत के लिए इस टूर्नामेंट से अगले टूर्नामेंट में जाते हुए, कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई है कि आपके पास एक खिलाड़ी ऐसा है जो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, विकेट कीपर है लेकिन आउटफील्ड में भी फील्डिंग करते हैं। तो वो सारी एक आपके पास एडेड एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत सारे जगहों पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होगी। अक्सर की इंजरी ज़रूर एक चिंता का विषय रहेगी, और श्रेयस अय्यर का इंजरी जो हम अक्सर अभी बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के दौरान, के कम बैक कर रहे हैं, फिर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बैक स्पैज़म हुआ, तो वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, इसलिए फिर ये 2 चीज़ें ज़रूर सब लोग ध्यान रखेंगे इसके ऊपर।